अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद इमान और मैं आज अपनी नई वीडियो के साथ आया हूँ। ये बच्चों के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम की एक कहानियाँ हैं कुरान करीम के हवाला जात के साथ। तो इसमें 22 कहानियाँ हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो भाई है हिबान, ये उसके हत्ते चढ़ गई थी तो इधर से डैमेज हो गई है, तो अभी हम लोग ठीक करके आए हैं। तो अब मैं इनमें से आप लोगों को ये सारी किताबें निकाल के इनके नाम बताऊंगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और तालूत बादशाह, और ये अगली किताब है जी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन, सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और सदूमी कौम, असहाबे कहफ़, अगली किताब है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया और फल, हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम, हाबील और काबील, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मुझे दोस्तों तो मुझे ये अपने बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। ये चिल्ड्रन पब्लिकेशंस की तरफ से हम लोगों ने ऑर्डर की है और ये अगली किताब है जी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, किताब है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, और ये आखिरी किताब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम। तो दोस्तों इसमें से एक किताब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम हज़रत हव्वा की एक किताब, वो मैं अपनी नानों के घर पढ़ने के लिए लेके गया था तो वो मैं उधर ही भूल गया। तो अब ये जो सब किताबें हैं, मैं अभी ये बुक रीडिंग की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हम लोग एक रोज़ की एक एक बुक किया कर पढ़ा करेंगे और उनकी कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाया करूँगा। और इसमें ये जो आखिर पे सवालात दिए गए हैं, ये इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।